हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एम उत्पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफंड के रिगार्डिंग, जो कि इशू आ रहा है। हमारे पास एक मेल रिसीव हुई जहां पे एक रिफंड के रिस्पेक्ट में जो है वहां पे उनको एक दिक्कत आ रही थी, जिसके रिगार्डिंग हमें एक नोटिफिकेशन रेफर करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन नंबर 35/2021, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फर्दर किसी को और इश्यू ना आए इसलिए हम दोबारा से उस नोटिफिकेशन को लेके चलेंगे। और क्या इसमें बदलाव करे गए हैं पोर्टल पे और कहाँ रिफंड अब हमारा रुक रहा है उसको लेके चलेंगे, ताकि फर्दर हमारे को इस तरीके की जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। राइट, तो पहले हम चलते हैं मुश्किल के ऊपर कि मुश्किलें क्या आई, और फिर चलेंगे उसके सॉल्यूशन के ऊपर कि हमें वो नोटिफिकेशन क्या कहती थी और उसका कंप्लाई क्या करना था। वन बाय वन लेके चलेंगे, राइट, इजी फॉर्म में। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि अब जब हम रिफंड एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे हैं तो वहां पे क्या दिक्कत आ रही है। वहां पे रिफंड एप्लीकेशन पे आ रहा है, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 24 सितंबर 2021, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आधार ऑथेंटिकेशन। इन केस यू डू नॉट येट ऑब्टेन आधार, प्लीज कंप्लीट योर EKYC। क्या कहना चाह रहा है कि रिफंड एप्लीकेशन के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी पहले, राइट। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 इशू करी गई थी, जो कि इफेक्ट में आ चुकी है, जिसकी वजह से ये जो है हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं RFD 01, वहां पे हमें पोर्टल रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कहता है भैया आपने आधार ऑथेंटिकेशन की जो नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन नंबर 35/2021, उसका कंप्लाई नहीं किया, पहले आप वो कीजिए, और अगर आपका आधार आपके पास नहीं है तो उस केस में आप EKYC कीजिए, तो जाके आप रिफंड एप्लीकेशन जो है डाल पाएंगे। तो हमें समझना होगा कि वो जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 35, वो वहां पे कहाँ पे बात करी गई थी इसके रिगार्डिंग, और क्यों इसकी वजह से हमारा रिफंड एप्लीकेशन ब्लॉक हो रहा है। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन 35/2021 जो है यहाँ पे इशू करी गई थी 24 सितंबर 2021 को, राइट। तो ये नोटिफिकेशन इशू करी गई थी, और उसके इसमें कहाँ पे ये इसके रिगार्डिंग बात करी गई थी ये समझते हैं। तो यहाँ पे इसके 10B के अंदर जो है यहाँ पे बात करी गई थी, और कहा गया था आधार ऑथेंटिकेशन फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड पर्सन शेल, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया था, इसमें से कुछ को बाहर करा गया था, अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(6)D, उसके अलावा जितने भी पर्सन है सबको, जितने रजिस्टर्ड पर्सन है शेल, यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है शेल, राइट। जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमने स्क्रीन देखी थी जहां पे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, वो इसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि यहाँ शेल लिखा गया है। शेल मीन्स मैंडेटरी, मैंडेटरी है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, उसको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके, और कब कब वो मैंडेटरी कर दिया था, उसके लिए तीन केसेस थे, कि अगर वो फाइल करेगा रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालेगा REG 21 में, तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा वो RFD 01 इशू करेगा तो भी जो है वहां पे आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। ये जो अभी हमने केस देखा, जो अभी हमने क्लिपिंग देखी थी, वो इसके रिगार्डिंग में थी, जहाँ पे वो RFD 01 फाइल कर रहा है लेकिन उसके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुई भी, ठीक है, आपका आधार लिंक नहीं है, तो आपको क्या करना है, EKYC के थ्रू करना है। उसके बाद यहाँ पे इसका प्रोसीजर भी बताया गया था, राइट। इस नोटिफिकेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फर्दर किसी की क्वेरी थी तो हमने कहा कि एक हो सकता है किसी और को भी ये इशू आ रहा हो, तो हमने कहा इसको एक बार जो है सबके लिए जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन के लिए भी RFD 01 फाइल करेंगे, वहां पे भी हमारा आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन REG 21 फाइल करेंगे, वहां पे भी मैंडेटरी है कि हमारा पहले ही आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। थर्ड वन था रिफंड, अब ये तीसरा वाला रिफंड कौन सा है, अगर हम IGST का रिफंड ले रहे हैं, अगर हमने एक्सपोर्ट किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, वहां पे हम IGST जो हमने पे किया है तो उसका रिफंड मांग रहे हैं, तो वहां पे भी आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा। तो ये तीन केसेस यहाँ पे डाले गए नोटिफिकेशन में। इसमें प्रोवाइडेड डेट भी डाला गया, प्रोवाइडेड डेट में क्या लिखा गया, इफ द आधार नंबर इज नॉट असाइंड, ठीक है, आधार नंबर नहीं है तो उस केस में क्या करना है, आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप कर दो, ठीक है। आधार, जब हम आधार वो अपना अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ना, स्लिप आती है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। और उसके साथ क्या चाहिए, बैंक की पासबुक या फिर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट,
या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मतलब ये चार चीजें, ठीक है, आधार, एनरोलमेंट आईडी, इसके साथ बैंक की पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कुछ एक जो है हम उसको यूज करके जो है हम अपना जो है इसको प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है आधार एनरोलमेंट आईडी आ जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा, जब आपका आधार आ जाएगा तो विद इन 30 days जो है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ आधार, आधार आ गया 30 दिन के अंदर जो है हमें फिर से आधार ऑथेंटिकेशन करनी होगी, राइट। ये तो तब है, ये वाला प्रोसेस तो तब करना है जब हमारे पास आधार केपेबिलिटी नहीं है, उस केस में आधार एनरोलमेंट स्लिप के थ्रू जो है यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन पहले ही आ चुकी थी, 24 सितंबर 2021 को ही आ गई थी, लेकिन क्या हुआ था, कई केसेस में ध्यान नहीं दिया तो वहां पे इस तरीके का एरर आ रहा था जो हमने पहले देखा। अगर आपने कर लिया इसका कंप्लाई तब तो कोई इशू नहीं है, फिर तो रिफंड एप्लीकेशन आपकी लग जाएगी, अदरवाइज जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बेटर है कि पहले ही आप जो है आधार ऑथेंटिकेशन कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम इस तरीके की फेस आउट ना होनी होए। तो और एक एक छोटी सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ, इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेरी आई थी तो हमने कहा एक ही वीडियो में जो है इसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे। एक नया एडिशन जो किया गया है, हम अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये हमारा नया जो है यहाँ पे जियो लोकेशन के बेसिस पे जो है हमें अपना प्लेस ऑफ सप्लाई पे जो है मार्क करना होगा, तो इसको जरूर प्रॉपरली मार्क कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ऐड कर दिया गया रजिस्ट्रेशन में, इसको जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर ट्रैक कीजिए, इसको जूम इन जूम आउट करके, जैसे हम गूगल मैप पे अपनी लोकेशन देखते हैं उस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल देखना है, और प्रॉपरली इसको जो है वहां पे ड्रैग करके लाके छोड़ना है जहाँ पे हमारी एक्चुअल लोकेशन है, राइट। तो इसका जरूर प्रॉपरली कंप्लाई कीजिए। इसके रिगार्डिंग भी एक दो क्वेरी हमारे पास जो है मेल पे आई थी तो हमने कहा इसको भी साथ में कवर कर लेते हैं, राइट। तो अगर इसको अगर आप इस तरीके का जो एड ऑन किया गया है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग, वहां पे इसको आप ड्रैग कीजिए प्रॉपरली, राइट, वहां पे अपना प्लेस देखिए और जहाँ पे आ रहा है वहीं पे लाके जो है उसको जो है आप अपना आधार एप्लीकेशन में जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में आधार सॉरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में प्रॉपरली जो है वहाँ पे एलोकेट कीजिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया फंक्शन जो ऐड किया गया इसको प्लीज स्किप मत कीजिएगा, मतलब ये जो है ऐसा है, ऐसा ना हो कि हम गलत जो है वहां पे डाल दें, अदरवाइज फिर रजिस्ट्रेशन में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, फर्दर आगे भी जो है इसके रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ सकती है, राइट। तो आज की इस वीडियो में यही फर्दर हम जो है हमें दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हमने कहा एक बार इसको डिस्कस करते हैं। फर्दर आपकी कोई और क्वेरी हो तो प्लीज आप मेल कीजिए taxkapshap@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कीजिए, और इस चैनल के साथ प्यार बनाए रखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है सीधा जो नई वीडियो आते ही आपके पास तुरंत जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।